हेलो एवरीवन। सो कल है एग्जामिनेशन डे 28 फरवरी, जिसका आप सभी लोग वेट कर रहे थे। एग्जामिनेशन 2 शिफ्ट के अंदर होने वाला है, फ्रॉम 9 to 12 एंड 3 to 6। एंड आपको क्या करना है एग्जामिनेशन डे वाले दिन, मेक श्योर कि एडमिट कार्ड पहले ही आज निकलवा लेना। दो फोटोज आपको लेके जानी है, एडमिट कार्ड लेके जाना है एंड ओरिजिनल फोटो आईडी। सो ये सब चीज़ें आपको साथ में लेके जानी है। एग्जामिनेशन सेंटर आधा घंटा पहले पहुंच जाना, सो दैट यू डोंट पैनिक एट द एंड। एंड वेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर, मेक श्योर दैट यू सॉल्व पेपर वन फर्स्ट विद इन 70 मिनट। 70 मिनट के अंदर आपको पेपर वन सॉल्व करना है, तो आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट वो 70 मिनट होने वाले हैं, जिसके अंदर आप पेपर वन सॉल्व करोगे। 70 से ज्यादा मिनट आपको नहीं जाना है। अगर 70 मिनट से ज्यादा चले गए तो गेम खत्म हो जाएगा। ओके सो एंड जब पेपर वन के अंदर आप सॉल्व कर रहे हो, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड डीआई से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। बहुत ईजी आता है डीआई एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो 5 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, 5 क्वेश्चन डीआई से बिल्कुल लेके जाने हैं। यानी कि 10 मार्क्स डीआई से एंड 10 मार्क्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से अपनी झोली के अंदर डाल लेने हैं। ओके देन कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स भी होंगे पेपर वन के अंदर, उन्हें देख के घबराना नहीं है। मेक श्योर कि अटेम्प्ट जरूर करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 50-50 वाला फॉर्मूला अपनाएं कि एटलीस्ट दो ऑप्शन को एलिमिनेट आप कर पा रहे हो। एंड कोशिश यही रहनी चाहिए कि एटलीस्ट 30 क्वेश्चन आपके पेपर वन के अंदर ठीक हो। ओके देन हम मूव ऑन करते हैं पेपर टू की तरफ, यानी कि हिस्ट्री, जहां पे मिलेंगे आपको 100 क्वेश्चन मेक और ब्रेक। या तो आप एग्जामिनेशन पार करोगे, एग्जामिनेशन फेल कर जाओगे, सब कुछ डिपेंड करता है आपके पेपर टू के ऊपर ही। सो पेपर टू पे जब आप मूव करोगे, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप शुरू से ही पेपर अटेम्प्ट करो। उसमें ये मत खोजना शुरू कर देना कि पहले मुझे मेडिवल करना है, ये मॉडर्न करना है, ये एंशंट करना है। मेक श्योर नंबर वन क्वेश्चन से सॉल्व करना शुरू करो। ओके एंड पेपर टू के अंदर भी दो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगी, जिसमें एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विद इन द पैसेज होगी, ठीक है, सारे आंसर उसी पैसेज से होंगे। एंड दूसरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ी एनालिटिकल होगी, जिसमें वो थोड़ा घुमा फिरा के पूछने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। ओके तो दोनों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से अटेम्प्ट करना है पेपर टू के अंदर। एंड पेपर टू के अंदर आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे, तो बड़े बड़े क्वेश्चंस देखिए घबराना नहीं है पहले। तो ट्रिक्स जो आपको सिखाई गई हैं मेरे द्वारा, शुभांगी मैम के द्वारा, वो यूज़ करनी है। जैसे कि कोई ना कोई एक ऑप्शन ऐसा होता है जो सिल्ली होता है, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर टू, कि सबसे पहले जब क्वेश्चन आए आपके सामने, समझ लीजिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, तो सबसे पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, सबसे पहले ऑप्शंस देखने हैं, जैसे लास्ट टाइम हुआ था। यानी कि अगर 5 ऑप्शंस पूछे हुए थे ए बी सी डी ई, तो आपको क्या करना है, ऑप्शंस देखने, क्या वो ऑप्शंस के अंदर कॉमन है, या जहां पे आपको आंसर देना है, क्या ए बी कॉमन है और जहां पे आपको आंसर देना है, अगर वो कॉमन है सारी सारे ऑप्शंस के अंदर, 1 2 3 4 के अंदर, तो आपको ए बी पढ़ना ही नहीं है, सी डी ई पे मूव कर जाना है। ओके आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है, तो लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपसे पांच पांच स्टेटमेंट उन्होंने पूछे हुए थे, 2 स्टेटमेंट हर ऑप्शन के अंदर उन्होंने कॉमन छोड़ दिए थे, तो वो इररिलेवेंट हो गए थे। तो मेक श्योर व्हेन यू आर सॉल्विंग द पेपर टू, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ऑप्शंस देखने हैं, ऑप्शंस के अंदर क्या क्या कॉमन दिया हुआ है, उन कॉमन स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ना ही नहीं है, मूव ऑन कर जाना है अलग ऊपर के अलग वाले स्टेटमेंट के ऊपर। ओके एंड पेपर टू बहुत ध्यान से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि पेपर टू में हल्की सी भी आपके दिमाग में हल्की सी इधर उधर चूक हुई, तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो बेस्ट विशेस, एग्जामिनेशन फोड़ के आना है। ओके आई नो कि आप सब लोगों के लिए बहुत, आप सब लोगों ने बहुत ऐसे प्रिपरेशन की हुई है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 6 महीने 1 साल से लगे हुए हैं, तो इस बार JRF अपने नाम करके आना है, ठीक है। एंड हम एनालिसिस पे मिलेंगे 1:30 बजे, तो मेक श्योर क्वेश्चन उससे पहले मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे। ओके तो 1:30 बजे हम एनालिसिस पे मिलेंगे, एंड शाम के टाइम 7 बजे एनालिसिस मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू टुमारो।